चलो फिलहाल करेला का माहौल है, करेला का माहौल दिखा दे, करेला का माहौल दिखा दे भाई, दिखाते माहौल। ये कैप्टन योगेश जो मैं कहूँ छुपा रुस्तम निकला, ये देखो आप गांव में भी रैली बन गई, ये देखो ढोल नगाड़े और लोगों का स्वागत प्यार, ये देखो भाई मृत दे मृत दे मृत लो देख लो, ये करेला का माहौल है भाई। ये कैप्टन साहब बैठे हैं सामने, फिलहाल आप देखो ये माहौल है करेला का। मोहित भाई फिलहाल आप देखो कैप्टन योगेश की धर्मपत्नी भी जो प्रीति है वो भी पहुंच गए कार्यक्रम में। योगेश शर्मा भाई, योगेश शर्मा, योगेश शर्मा आ जाओ भाई, आप दोनों आकर आ जाओ, आ जाओ। ये फिलहाल करेला गांव की तस्वीरें आप देख रहे हो, कैप्टन योगेश और उनकी पत्नी। तो फिलहाल ये तस्वीरें और ये रैली में तब्दील हो गया, देखो आप स्वागत करते हो। ये करेला गांव देख लो आप, ये करेला गांव का माहौल, ये करेला गांव का माहौल। छह घंटा का जो इंतजार कर रहे हो उसके लिए बलवाने भी छोटा भाई ने सिर्फ जो आपके दिलों की धड़कन है, जो आप पे अपना ये आपने ये कहा इस हादसे में भी साथ उतरे और सबने जो मान सम्मान दिया जिसके लिए और आपने अंतो भावी भी रखा थे, आपकी जनसंख्या देख के ये आज विधायक है जुलाना का। मैं आपके सम्मुख अपने विचार रखने के लिए सबको मांग सकता हूँ, सिर्फ दो मिनट में आपके साथ इंटरेक्शन, पब्लिक के साथ ही, पब्लिक के साथ ही हो जाएगा ये साथ में पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर लीजिए। चलो भाई ये बताओ पहले तो कैप्टन योगेश सुपर रुस्तम निकला कि नहीं, लिख देगा बीच में को बन जाएगा विधायक, सिस्टम पार देगा, काम पहन देगा, करेला काम की के नीत है, बन जाएगा माहौल। चलो फिलहाल देखो मैं पहले कहूं था पहले तो आपका काफिला जलजला में तब्दील हो गया, अब ये जो गांव का माहौल है करेला का ये आपका रैली में तब्दील हो गया जिस तरह विष्णु भाई बता रहे थे, और ये जो प्यार है ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलो फिलहाल आप देखो कैप्टन योगेश और उनकी पत्नी, इनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल कैप्टन योगेश अपनी बात रखना चाह रहे क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे थे लोग, और लो जी हाँ जी हाँ जी जी ये पुष्पा तहल जी ये भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी 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 भाई, तो आप लोगों का मान और सम्मान और जो प्यार देखते भाजपा पत्रकार का पूरा भारत मंच का संचालन करा उसके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई को अपने खोलने के लिए देखो भाई विष्णु भाई ने कही पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता, लेकिन पत्रकार एक आईना है जो सामने है वो दिखाएगा, ये काफिला दिखाया, ये जलजला दिखाया और जो चीज है उसको दिखा रहे हैं भाई। और पुष्पा तहल जी ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, पुष्पा जी क्या कहना चाहोगे क्योंकि नुगारम महिलाओं की ताकत के बगैर बात नहीं बनती जी। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद, हमारे प्रत्याशी भाई कैप्टन योगेश विरागी जिंदाबाद, कैप्टन योगेश विरागी जिंदाबाद, हम महिलाओं की मान और सम्मान की प्रतीक भाई कैप्टन योगेश की घरवाली बहन प्रीति विरागी जिंदाबाद, प्रीति विरागी जिंदाबाद, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य
आप लोगों के बीच में, आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों के बीच में जो जुड़ाना विधानसभा से भाई कैप्टन योगेश बैरागी जी को प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है। आज हम सब बहने, हमारी बहन प्रीति बैरागी के समर्थन में आप सब लोगों से झोली फैलाकर आने वाली 5 तारीख को आप सब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान करना है उसके लिए, हम भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटों की अपील करने के लिए हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। आप एक लाइन बोल दो, एक लाइन बोल दो, आप बोल दो, एक लाइन वोट की अपील जी जी। सोमवीर माता रानी का भक्त भाई को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेगा और एडवोकेट मुकाल मुकेश राणा जी को मैं सम्मानित करूंगा। आप इनको बोलन दो ना, फिर ये क्योंकि पब्लिक का एक लाइन, आप एक लाइन, एक लाइन की अपील के रूप में आपने कुछ बोलना। नरेला की सर जमी को मेरा नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ, और मेरे सामने जो मेरी माता बहने, मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, आप सबको जय श्री राम बोलता हूँ। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ईवीएम मोबाइल फोन किस किस के पास में है? सभी के पास में है, और वो एंड्रॉइड वाले है कि नहीं है? अरे ना भी हो तो कौन सी बात है, टॉर्च तो सारे फोनों में है कि नहीं है? ये भी थोड़ा सा अंधेरा आप हो गए लेट, और दिन भी हो गई रात, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती, फोन की टॉर्च ऑन कर लो सारे के सारे एक मिनट के लिए। निकाल दिए भाई। अच्छा कर दो, नाम नाम बोलो, नाम क्या? गांव के सरपंच मोदी का सरपंच सोनू जी को सम्मानित करते हैं। ये आप देखो सरपंच साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने दीपावली की तरह देखो टॉर्च जला करके आपने मैं दिया जला दिया और जलाने को दिखा दिया कि आने वाले समय हर घर दिवाली जल्दी ही बनने वाली है। कारण पता है ना क्यों बनने वाली है कि नहीं? कमल का फूल सारे के सारे बेटे तो ये आप देखो फिलहाल जनसभा बन गई है, एक बहुत बड़ी रैली में तब्दील हो गया। ये देखो जीवन ये सबके साथ इंटरेक्ट होते हुए कैप्टन योगेश, और फिलहाल देखो माहौल, अरे भाई ये आप देखो फिलहाल माहौल जो है रैली में तब्दील हो गया है। अरे भाई जो अपने इस गांव के, इसलिए हम कह रहे हैं भाई छुपा रुस्तम है कैप्टन योगेश। मोहित आ जा, मोहित मैं यही हूँ। देख मोहित चलो ये आप देखो राम राम भाई, ये माहौल है करेला गांव का, और इसी प्रकार जिस गांव में जाओ इस तरह का माहौल बनने लग रहा है। तो आप बताओ क्या जुलाना में कैप्टन योगेश के तौर पे विधायक चुना जाने वाला है, विधायक बनने वाला है? ये तो 8 दिन मेरा पटेगा, लेकिन जिस तरह का ये जनसमूह है, जनसलाब है, काफिला है, जलजला है, और जो ये कारवां जुड़ रहा है उसको देख करके लगता है कैप्टन योगेश ने अपना माहौल परसेप्शन होती राजनीति में वो दर्ज कर दी है। दर्ज होगी मौजूदगी कैप्टन साहब की, मौजूदगी दर्ज होगी, आदेश होगी जी, होगी बढ़ जाएगी बात जाएगी जी, जिताएंगे ना जिताएंगे। चलो चलो अब कोई नहीं होगी, चलो फिलहाल आप देखो इन तस्वीरें छोड़ देता हूँ, आप भी बताइए आपने क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।